अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन का एक और फंक्शन सीखेंगे जिसका नाम है आईपीएमटी, यानी कि इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट। ये क्या चीज होती है? देखिए, अभी आपको इस पूरे सिचुएशन में क्या पता है, आपको पता है कि 2 लाख रुपए का कर्जा लिया गया है, 30% पर लिया गया है, 60 मंथ्स, यानी कि 60 मंथ्स के लिए 5 ईयर्स के लिए लिया गया है, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 6,470 रुपीज की है। बट अगर आप ये मालूम करना चाहें इस एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट इंटरेस्ट में जाएगा, मतलब 6,000 में से कितना अमाउंट इंटरेस्ट में जाएगा, मींस प्रॉफिट में जाएगा, और बाकी अमाउंट जो कर्ज में से कम होगा। तो ये मालूम करने के लिए, इंटरेस्ट पार्ट ऑफ पेमेंट मालूम करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है आईपीएमटी। जैसे ही कि आप जाके आईपीएमटी फंक्शन को लॉन्च करेंगे आईपीएमटी, और यहां से जाके रेट पे क्लिक करके आप रेट बताएंगे, पर पे आपने क्लिक करना है 1, क्योंकि पर इंस्टॉलमेंट का मालूम करना है, एंड पर पे क्लिक करके अपने ड्यूरेशन बताना, और प्रिंसिपल वैल्यू पे क्लिक करके प्रिंसिपल वैल्यू का रेफरेंस कर देना है। इसके बाद आपने रेट को डिवाइड करना है 12 पे, और इसको आपने कर देना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे आपको पता चल गया कि आप जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 6,470.68 पैसा की, उसके अंदर से 5,000 तो आपके इंटरेस्ट पार्ट में चले जाएंगे, यानी प्रॉफिट में चले जाएंगे, बाकी रिमेनिंग अमाउंट कर्जे में से कम हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका है इस चीज को मालूम करने का, करके देखिए और मुझे बताइए। अल्लाह हाफिज़।